नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल पी के द ब्लॉगर लाइव में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना कैमरे के हम पार्किंग कैसे कर सकते हो, पार्किंग सेंसर एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, गाड़ी में बैठे बैठे क्या साउंड आती है और किस तरीके से हम समझते हैं कि गाड़ी हमारे पीछे नहीं लड़ रही है या कितना दूर है और कितना पास मतलब हम जा सकते हैं, कैसे हम बेहतर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। लेट्स सी, चेकआउट करते हैं। अभी मेरा भाई मतलब मेरा छोटा भाई है एक्चुअली, वो पीछे जा रहा है। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पर्टिकुलर। अभी मेरी गाड़ी बंद है इस टाइम में, ये देखिए। अभी गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर दिया हुआ है। सो गाइस, भाई को मैंने पीछे खड़ा करके रखा हुआ है। और ये देखिए, अगर एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायरेक्ट ही मतलब जैसे पहले गियर में अगर आप गाड़ी लगाते हैं, पहले गियर में आपका गियर पड़ा हुआ है तो गाड़ी आपकी तुरंत से स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आपका डायरेक्ट अगर ये आप अगर अगर इस तरीके से सोचें कि मेरा रिवर्स में ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो शायद मुश्किल होता है और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अभी देखिए, अभी मैंने न्यूट्रल में स्टार्ट किया, अब गाड़ी को लगाते हैं रिवर्स में इस तरीके से। जैसे आप रिवर्स लगाएंगे बीप आएगी, ठीक है। अब देखिए, आप धीरे धीरे क्लच ले रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरा भाई पीछे खड़ा हुआ है, धीरे 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 धीरे। और ये देखिए, हल्की सी बीप आई एक। अब ये बहुत जैसे ही जितना हम नज़दीक जाएंगे उतना ही बहुत ज़्यादा तेज़ से बीप करेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ से। दैट मीन्स कि पीछे लड़ने वाली है कार या कोई खड़ा हुआ है कि आपको बचना चाहिए, ये होता है पार्किंग सेंसर का यूज़। अब देखिए, हल्का सा और पीछे करते हैं, बीप बहुत तेज़ हो जाएगी। ये देखिए, अब ये लास्ट में जब बिल्कुल टच होने वाली होती, बिल्कुल ही नज़दीक होती, तब ये आपको बहुत तेज़ से करेगी, एकदम बिल्कुल रुकेगा ही नहीं। तब आपको समझ जाना है कि मेरी गाड़ी एक्चुअल में क्या है, फिर आपको अपना आगे करना है। जैसे बीप एकदम से करेगा तो आपको समझ जाना है कि मेरी गाड़ी पीछे से टकराने वाली है, मुझे रुक जाना चाहिए। ओके, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं बिना पार्किंग कैमरा के ही, बिना कैमरा के ही आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई इशू नहीं होने वाला है और आप अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से पार कर सकते हैं। अंदर एक्चुअली एक बीप होती है, बीप जितना ही आप पीछे जाएंगे पहले स्लो रहेगी, एक पॉइंट दो पॉइंट, फिर धीरे धीरे बहुत तेज तेज। अभी आपने सुना, और किस तरीके से मतलब वो एकदम से जब बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएगा तो बीप बंद नहीं होगी और वो बिल्कुल बजती ही रहेगी। तो आपको समझ जाना है कि अब मेरी गाड़ी टकराने वाली है, अब इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही बीप देना चालू कर दे तो आप वहीं पे अपनी गाड़ी को रोक दे, तो आपको इजीली आपकी वो गाड़ी सेफ रहेगी। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट निसान मैगनाइट एक्सल मॉडल। और अभी भी आपका बहुत सा कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो प्लीज़ मेरे से पूछिए, मैं अपना नंबर इसे मेंशन कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, और प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करिए। और अगर किसी भी चीज़ से आपको रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरे से बताइए, देन मैं आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर वीडियो बना के दिखाऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो साथ में। थैंक यू सो मच गाइज़।